कृषि भाई महिंद्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। कृषि वेबिनार सीरीज कृषि के विभिन्न विषयों पर जानकारी देती है और इसी संदर्भ में आज का हमारा जो विषय है सॉयल, सॉयल की हेल्थ और उसकी प्रॉपर्टीज। इस विषय पर बात करने के लिए मैं डॉक्टर शैविंदर कुमार और मेरे साथी डॉक्टर विश्व विकास शर्मा बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर विश्व। धन्यवाद जी। डॉक्टर विश्व, अब थोड़ा सा हमें ये बताइए कि स्वस्थ और अस्वस्थ मिट्टी में क्या अंतर होता है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। जी देखिए, ये बहुत सही चीज है। स्वस्थ और अस्वस्थ मिट्टी को पहचानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है उत्पादक और उपजाऊ मिट्टी को पहचानना। ये दोनों अलग चीजें हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उपजाऊ मिट्टी यानी कि फर्टाइल सॉइल जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव हो यानी कि उत्पादक हो, लेकिन जो प्रोडक्टिव सॉइल है यानी कि उत्पादक मिट्टी है वो हमेशा उपजाऊ होगी, वो फर्टाइल होगी, क्योंकि वो सक्षम होगी पौधे को हर प्रकार के पोषक तत्व देने में। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, अगर कोई किसान अपने अपने जो खेत से अगर मिट्टी का सैंपल जांच के लिए लेके जाता है, तो उसे बाद में ही पता चलता है कि उसके मिट्टी में सभी पोषक तत्व हैं। उसके नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, लेकिन कई जगह पर पोटाशियम की कमी है। तो हम ये कह सकते हैं मिट्टी उपजाऊ है, पर वो उत्पादक मिट्टी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस एक पोषक तत्व की कमी से पूरी की पूरी जो उसकी उपज या उत्पादन की जो क्षमता है उस पर असर होगा। क्योंकि हो सकता है कि वो पोटाशियम उस फसल के लिए जो किसान लगाने वाला इतना जरूरी होगा कि उसकी कमी की वजह से प्रति यूनिट क्षेत्र उपज पर उस फसल का सीधा हम कह सकते हैं कि सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उपजाऊ मिट्टी और उत्पादक मिट्टी को समझना भी जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम स्वस्थ मिट्टी और अस्वस्थ मिट्टी। देखिए, जो उत्पादक मिट्टी होगी ना, हम सीधा कह सकते हैं कि वो स्वस्थ होगी, क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसके सब गुण बिल्कुल सही है, जो चाहिए वो फसल को उस स्वस्थ मिट्टी से मिल जाएगा। लेकिन उसका विपरीत अस्वस्थ मिट्टी होगी, जहां पर फसल को काफी हद तक कुछ नहीं मिलेगा जीवित रहने के लिए, तो फसल भी अस्वस्थ रहेगी। तो देखिए, फसल स्वस्थ और अस्वस्थ मिट्टी की बात करें तो बहुत सारे गुण हैं जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि मिट्टी स्वस्थ है। जैसे स्थिर पीएच, पीएच स्वस्थ मिट्टी का 6.5 से 7.5 के बीच में रहता है। अगर हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी का पीएच इस लेवल के बीच में है, तो समझ लीजिए मिट्टी स्वस्थ है। परंतु अगर 6.5 से ऊपर है, 6.5 से कम है या 7.5 से ऊपर है, तो समझ लीजिए मिट्टी स्वस्थ नहीं है, और ऐसे पीएच पर मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। तो पीएच अगर स्थिर है तो समझ लीजिए मिट्टी स्वस्थ है। उसके बाद कार्बनिक कार्बन, कार्बनिक कार्बन सभी गुणों से महान गुण माना जाता है, क्योंकि अगर कार्बनिक कार्बन सही है मिट्टी में, तो हम ये मानते हैं कि बाकी सभी गुण भी लगभग लगभग सही होंगे। जैसे सबसे पहले गुण की बात करें तो पोषक तत्व धारण क्षमता, जितना ज्यादा कार्बनिक कार्बन होगा मिट्टी में, उतनी ज्यादा मिट्टी की क्षमता होगी कि पोषक तत्वों को धारण कर सके यानी कि पकड़ सके, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। जितनी ज्यादा पोषक तत्व धारण क्षमता होगी, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, उतने ज्यादा पोषक तत्व जड़ों के आसपास रहेंगे, और जितने ज्यादा पोषक तत्व रहेंगे उसका सीधा असर उपज पर पड़ेगा। तो इसीलिए कार्बनिक कार्बन का होना मिट्टी में जरूरी है। और कार्बनिक कार्बन की अगर हम लेवल की बात करें तो ये 0.5 से 0.75 के बीच में अगर हो तो हम इसे मीडियम मानते हैं, यानी कि मध्यम वर्ग का होता है। अगर 0.75 से ज्यादा है तो इसे हम हाई मानते हैं, उच्च मानते हैं। और उच्च में अगर कार्बनिक कार्बन हो तो हम उसे बहुत सही मानते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक जो है उपजाऊ मिट्टी में रहता है और काफी हद तक बहुत सारे गुणों को सही रखता है। जैसे मैंने एक आपको बताया पोषक तत्व धारण क्षमता, और उसके बाद है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता को भी ये सीधा सीधा असर करता है। जल धारण क्षमता का मतलब है कि मिट्टी के अंदर कितनी क्षमता है कि वो पानी को पकड़ सके। हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों से हमें ये सुनने को मिलता है कि हमने अभी 3-4 दिन पहले ही फसल को पानी दिया था, लेकिन फसल अब ये दिखा रही है कि जैसे उसमें पानी की
पानी का बहुत अभाव है, मिट्टी में पानी का बहुत अभाव है। तो कारण यही है कि मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की कमी से कोई ऐसा मीडियम नहीं है, कोई ऐसा स्रोत नहीं है जो पानी को पकड़ सके जड़ों के आसपास। तो कार्बनिक कार्बन की कमी से जल धारण क्षमता भी कम होती जाती है, जो कि अस्वस्थ मिट्टी का एक डिपिक्शन है, दिखाने का तरीका है। वैसे ही मैंने पोषक तत्व धारण क्षमता का भी बात करें तो अगर समझ लीजिए 3-4 दिन पहले किसी किसान ने यूरिया फेंका, तो यूरिया फेंका तो अब हमें, हम यही सोच के बैठते हैं कि अब हमें नाइट्रोजन की कमी तो नहीं दिखेंगी, लेकिन हमें तुरंत 3 या 4 दिन के बाद ये दिखने लगता है कि उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आ रही है, जिससे पौधा जो है पीला पड़ रहा है। तो कारण ये है कि उसमें पोषक धारण क्षमता जो है बहुत कम है, यानी कि कार्बनिक कार्बन की बहुत ज्यादा कमी है उस मिट्टी में। और बात करें हम उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में कार्बनिक कार्बन मिट्टी में दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, जिसका सीधा असर बहुत सारे सूक्ष्म जो हमारी मिट्टी के अंदर है उन पर भी पड़ रहा है। इसके लिए हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, जैसे माइक्रोबियल बायोमास कार्बन हम देखते हैं और एंजाइमेटिक गतिविधि को देखते हैं। माइक्रोबियल बायोमास कार्बन सूक्ष्म जीवों का जमावड़ा है। अगर मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अच्छी है तो माइक्रोबियल बायोमास कार्बन अच्छा होगा। अगर ये अच्छा होगा तो समझ लीजिए कार्बनिक कार्बन अच्छा होगा। अगर कार्बनिक कार्बन अच्छा होगा तो बाकी सभी गुण अच्छे होंगे। और उसके बाद आता है एंजाइमेटिक गतिविधि। एंजाइमेटिक गतिविधि देखिए बहुत जरूरी है। अगर आप यूरिया मिट्टी में डालते हैं तो वो सीधा का सीधा जड़ों में नहीं चला जाता, उस यूरिया के ऊपर पहले कुछ एंजाइमेटिक यानी कि कुछ सूक्ष्म क्रियाएं चलती हैं जिससे वो यूरिया में से छोटे छोटे अणु निकलते हैं, फिर वो पौधे के जड़ों के जरिए पौधे के अंदर जाते हैं। तो वो सब एंजाइमेटिक एक्टिविटी से होता है। और इस चीज को सही रखने के लिए हमारी मिट्टी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो सभी जितनी भी गुण है मिट्टी के वो सही रहेंगे। जी डॉक्टर विषय, बहुत अच्छा बताया आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विषय। मैं आशा करता हूँ कि सभी किसान इस जानकारी का उचित से फायदा उठाएंगे और वो अपनी जमीन और अपनी खेती को सही दिशा में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।